हे गाइज, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड फाइनली हमारे चैनल की फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। एंड आप लोगों ने ना बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रखे थे, एंड बहुत सारे ने तो फनी क्वेश्चंस भी पूछ रखे थे। मैंने सारे क्वेश्चन पिक नहीं किए हैं, कॉमन क्वेश्चन को पिक किया है, बट सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा जरूर। सो वीडियो को मैं फटाफट से स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड एक और चीज़ गाइज, इस वीडियो में मैं अपना फेस भी रिवील करने वाला हूँ, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपने बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है वो हैकर गेमिंग ने पूछा है, हैशटैग क्यूएनए, आपका रियल नेम क्या है, आपकी एज कितनी है, आप कहाँ रहते हो, आपने एडिटिंग कैसे सीखा, एंड आपकी जर्नी क्या है, एक्सप्लेन। देखो हैकर भाई, मेरा जो नेम है वो सचिन कुमार है, ठीक है, और जो मेरी एज है वो 21 है। एंड मैं रहता कहाँ हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ, बोकारो स्टील सिटी में रहता हूँ, ठीक है। एंड मैंने एडिटिंग कहाँ से सीखी, तो मैंने एडिटिंग यूट्यूब से ही सीखी है, जस्ट देख देख के, जो अच्छे बंदे अच्छे क्रिएटर थे उनकी वीडियोस को देखता रहता था। और जो पीएस टेस्ट थी वो सीखने में मुझे 2 से 3 मंथ लगे थे, सीरियसली बोल रहा हूँ। एंड बस यूट्यूब से देख देख के ही सीखा मैंने सभी चीज़ को। एंड आपकी जर्नी क्या है, तो हैकर भाई ये जर्नी जो है ना वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के बाद में थोड़ा सा, अभी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रेकलेस रिडवान का, एट द फर्स्ट टेक माई लव फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, थैंक यू भाई। एंड क्वेश्चन ये है उनका कि यूट्यूब के अलावा और क्या करते हो, जल्दी वीडियो डालो, डाला करो यार, सबर नहीं होता। देखो मैं यूट्यूब के अलावा मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स है मेरा, एंड ये थर्ड ईयर है मेरा। तो यूट्यूब के अलावा बस यही करता हूँ, और बाकी खेलना कूदना होता है और कुछ नहीं, बस यूट्यूब ये सब कर रहा हूँ। और हाँ, जेएफएक्स वर्क भी करता हूँ, कुछ कुछ थोड़ा 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 कर लेता हूँ, तो ये बस करता हूँ और कुछ नहीं है, बस लाइफ चल रही है ऐसा ही है बस। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाईटी हर्ष ने पूछा है कि आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है शायद। भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, आप ही लोग के लिए तो टाइम है। ओके माई क्वेश्चन, आपके घर में पता है आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो, आपके पास कौन सी बाइक है, आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है अपने चैनल की, प्लीज़ गिव मी ए माई आंसर। ओके ठीक है, मैं देखो आपकी पहले क्वेश्चंस की आंसर करता हूँ। मेरे घर में लिटरली किसी को भी पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, बस एक दो जन को छोड़ के जो है मेरे बड़े पापा को पता है, और मेरे बड़े पापा के जो बेटे हैं भैया उनको पता है, ठीक है, और किसी को पता नहीं है। आपके सेकेंड क्वेश्चन आपकी क्या थी, कि आपके पास बाइक कौन सी है। देखो सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि मैं बाइक का शौकीन नहीं हूँ, बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ बाइक का। मुझे फ़ोन्स का शौकीन हूँ मैं, बाइक का शौकीन नहीं हूँ। सो मेरे पास अभी बाइक नहीं है, हाँ घर में 2-3 बाइक हैं, लेकिन मेरा वो फेवरेट कुछ नहीं है उसमें से, कोई भी है वो चलता है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपकी थी कि आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है आपकी चैनल की, प्लीज़ गिव मी माय आंसर, ठीक है। तो हमारी जो फेवरेट वीडियो है ना यार, सभी मेरी फेवरेट वीडियो, क्योंकि सभी में वो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी या जो अभी रिसेंट वीडियो है ना, सभी में मैंने जी जान लगा के मेहनत किया था, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे वो उतना मेहनत था, मेरे को लगता था कि इतना सफिशिएंट है, अभी मुझे लगता है कि और ज़्यादा करना चाहिए। तो ऐसा फेवरेट वाला कुछ सीन नहीं है, सभी चीज़ों में सभी वीडियोस में उतना ही मैंने इक्वल मेहनत लगाई है, तो मेरे लिए सभी वीडियो फेवरेट है। तो गाइस जो हमारी अगली क्वेश्चन है वो इनसेन बॉय ओपी के द्वारा पूछी गई है कि हाउ यू स्टार्टेड योर यूट्यूब जर्नी। तो गाइस देख लो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि मेरे बड़े पापा एंड भैया को पता था, तो उन्होंने ही न्यूज़पेपर में देख के जस्ट बता रखा था मुझे 2-3 साल पहले कि देख ले, यूट्यूब करना चाहता है तो कर ले, वहाँ पे मतलब अच्छा अर्निंग भी होती है एंड फेम वगैरह भी मिलती है, तरह तरह की चीज़ें उन्होंने बता रखा था मुझे, तो मुझे इन सब चीज़ में मज़ा भी आता था, तो जस्ट ऐसे ही मैंने स्टार्ट कर लिया था कि देखते हैं क्या होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके पीछे, रीज़न बस यही है। और लाइट का क्वेश्चन है कि आपने यूट्यूब चैनल की आपकी इंस्पिरेशन कौन है एंड गेमिंग चैनल ओपन करने वाले हो कि नहीं फ्यूचर में। तो देखो मेरा कुछ इंस्पिरेशंस वैसा कुछ लेके मैं नहीं चला था, जस्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था, एंड क्योंकि उस टाइम पे वैसा कुछ नॉलेज नहीं था ना, जस्ट मैंने देखा कि हाँ वीडियोज़ डालने हैं तो मैं भी डालता था, कुछ भी कचरा उठा के फेंक देता था यूट्यूब पर और बस ऐसे ही चलता था। और यूट्यूब चैनल जो आप बोल रहे हो गेमिंग की ओपन करना है कि नहीं, तो इन फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ, अभी कुछ कन्फर्म नहीं बोल सकता, अगर अच्छा सब कुछ रहा तो ज़रूर मैं आप लोग के लिए एक गेमिंग चैनल भी ओपन करूँगा जिसमें मैं नू BGMI गेम प्ले करूँगा, तो आप लोग सपोर्ट दिखा सकते हो उसमें भी अगर दिखाना चाहते हो तो। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार GFX की तरफ से है कि भाई आपकी फ़र्स्ट वीडियो पे कितने व्यूज़ आए थे और आपके फ़र्स्ट YT चैनल का नेम क्या था। देख लो फर्स्ट वीडियोज़ पे व्यूज़ मेरे कुछ 10-12 थे
और जिसमें से 8-10 तो मेरे ही थे, जो सबके वैसे ही होते हैं, वैसा कुछ नहीं था। एंड मैंने किसी ने पहले भी और क्वेश्चन पूछ रखा था कि आपने कैसे मतलब स्टार्ट हुआ, कितना मतलब आपकी जर्नी क्या है यूट्यूब की, तो देखो वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि देखो मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, एंड इनका एक और क्वेश्चन था कि आपकी फ़र्स्ट चैनल का नेम क्या था, तो फर्स्ट चैनल का मेरा नेम सचिन टेक था, जो मैंने बाद में चेंज करके सचटेक किया, मेरे भैया के बोलने पर किया सचटेक। एंड मेरी जर्नी की मैं बात बता दूँ आपको, तो मुझे जो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर गेन करने में ऑलमोस्ट 3 मंथ लगे मुझे 100 सब्सक्राइबर गेन करने में, एंड 6 महीने में मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिला। तो ये मेरी जर्नी बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था कि 6 महीने में बस 1000 सब्सक्राइबर। आपको लगता है अभी मैं 2-3 दिन पे एक वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन जब मेरे 3 महीने में 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे ना, तो मैं कंटिन्यूस पर डे एक एक वीडियोज अपलोड करता था। तो सोच लो आप लोग 2-4 वीडियो अपलोड करने के बाद बोलते हो कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहा है, मेरे सब्सक्राइबर गेन नहीं हुए। मैं कंटिन्यूस 3 मंथ तक 100 सब्सक्राइबर मेरे पूरे नहीं हुए थे, मैं देखता था, फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, अपने वीडियोस को अपलोड करते गया। एंड फाइनली जब 3 महीने पे 100 सब्सक्राइबर हुए, वो एक एक सब्सक्राइबर की खुशी बहुत अलग होती है स्टार्टिंग में, एंड जब 1000 पे गया तो और भी ज़्यादा खुश हुआ। तो ये था मेरा स्टार्टिंग का स्ट्रगल, जो काफ़ी बहुत ख़राब था एंड सभी को फेस करना पड़ता है। अगर जिसको नॉलेज है तो वो तो नहीं फेस कर पाता, लेकिन जो एक बिगिनर है, स्टार्टर है, तो उसको तो ये फेस करना ही पड़ता है। तो गाइस जो हमारी अगली क्वेश्चन है, वो ताहिर से एक भाई ने पूछ रखा है कि भाई आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कब हुआ था। तो देख लो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो YouTube का फर्स्ट वीडियो मैंने जो स्टार्ट किया था, वो 3 अक्टूबर 2020 को मैंने स्टार्ट किया था अपना YouTube चैनल, एंड जनवरी में मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, एंड अप्रैल में जाके 1000 पूरा हुआ था। लेकिन जो हमारी चैनल जो मोनेटाइज हुई थी, वो जून में हुई थी, तो जून में हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था। एंड फर्स्ट इनकम जो हमारी आई थी, वो सेप्टेम्बर अक्टूबर के करीब आई थी, मतलब 1 साल लग गया था यूट्यूब से फर्स्ट इनकम आने में। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हाइडा वसीम गेमिंग की तरफ की है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो भाई आपको इसका आंसर मिल गया होगा, जो मैंने अभी पहले बता चुका हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन उनका है कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो फेवरेट यूट्यूबर मेरा थगेश है, जो रोस्टिंग वीडियो बनाता है। एंड थर्ड है कि आपकी यूट्यूब की इनकम क्या है, जो मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। एंड फोर्थ इनका क्वेश्चन है कि 1K सब्स एंड 4K वॉच टाइम होने के बाद आपका रिएक्शन क्या था। देखो ये एक माइलस्टोन है जो सभी रीच करना चाहते हैं, जब अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में यही चलता है कि उनका 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम कब कंप्लीट होगा। तो ये पूरा होने के बाद ना नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है, लगती है कि अब करोड़पति बन गया, लेकिन वैसा बाद में कुछ होता नहीं है। जस्ट लेकिन नॉर्मल सा रिएक्शन तो नहीं था, बहुत ज़्यादा मैं खुश था, किसी को बता भी नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, लेकिन मैं बहुत ही अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था। पांचवा क्वेश्चन है फैमिली सपोर्ट। देखो फैमिली में किसी को पता तो है नहीं, जिनको पता है वो अच्छे से सपोर्ट करते हैं, टाइम भी देने के लिए बोलते हैं कि हाँ टाइम दे सकता है, वैसे मना नहीं करते। स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि अभी मेरा ग्रो हो गया तो वो बोलेंगे, जब मेरे 1, 2, 3 सब्सक्राइबर थे तब भी वो मना नहीं करते थे, मैं उनसे बोलता था वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो बोलते थे कि हाँ ठीक है जा, ऐसा कुछ नहीं था। 6 नंबर गेमिंग पीसी, नहीं मेरे पास ना पीसी है ना लैपटॉप है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है मेरे पास ऐसा। पीसी वगैरह के लिए अभी मेरी उतनी वो इनकम नहीं है कि मैं पीसी वगैरह लूँ, गेमिंग पीसी वो भी। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 4MS सैतामा का है कि आपकी कोई GF है। ये चीज़ मैं आपको एक साथ बताऊँगा, फेस रिवील करूँगा, गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊँगा, एंड कितना इनकम होती है वो मैं एक साथ बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उनकी है कि यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, मैं ये बताऊंगा बाद में बताऊंगा। तीसरा उनका क्वेश्चन है, यूट्यूब से जब फर्स्ट इनकम आया था तो मम्मी एंड पापा का रिएक्शन क्या था। देखो मम्मी पापा को पता नहीं है, मैं कितने बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको क्यों नहीं पता है, एंड बड़े पापा को पता चला तो बहुत खुश हुए, उनको भी पहले तो नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होता है कि पैसे आएंगे यूट्यूब से, एंड मेरे को भी नहीं लगता था, लेकिन जब फर्स्ट पेमेंट आती है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चाहे वो कितना भी आए, 2 रुपये 4 रुपये कितना भी आए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी होती है, सबको बहुत खुशी हुई थी जिनको पता है। 4 नंबर इतनी अच्छी एडिटिंग लाते कहाँ से हो। देखो वो मेरे को नहीं पता कि अच्छी एडिटिंग है कि क्या है, वो आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग प्यार दिखाते हो, तो बस अंदर से आ जाता है। 5वां क्वेश्चन है, आपका कोई इंस्पिरेशन कौन है। मेरा इंस्पिरेशन वैसा कुछ सोचा नहीं है, ना ही कोई है वैसा, जस्ट मैं सीखते रखता हूँ, जो भी बंदे अच्छे करते हैं, चाहे उनका मेरे से छोटा चैनल है या बड़ा चैनल है, मैं सबसे सीखते रहता हूँ,
अभी तक सीखते रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं सीखता। बाय द वे बहुत प्यार आपको, मेरा क्वेश्चन ले लो, और मेरे लाइफ में आज तक किसी यूट्यूबर ने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया है, आप ले लो, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपका सपना पूरा हो गया होगा। एंड वैसा कुछ सोच के नहीं लिया था, जस्ट क्वेश्चंस आपके बहुत प्यारे थे, एंड आपके जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर पता चल जाएगा। तो गाइस बहुत सारे लोगों को ये कॉमन क्वेश्चन थे कि आप एडिटिंग कौन कौन से एप्लीकेशन से करते हो, एंड वॉइस ओवर पहले करते हो या रिकॉर्डिंग बाद में करते हो या रिकॉर्डिंग पहले करते हो। तो देखो इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो पहले से ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन फिर भी मैं अभी बता दूं कि देखो मैं वीडियो एडिटिंग के लिए काइन मास्टर यूज़ करता हूं अपने यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए, एंड थंबनेल बनाने के लिए पीएस टच यूज़ करता हूं, एंड पिक्सल लैब भी यूज़ कर लेता हूं कभी कभी, और पिकसार्ट यूज़ करता हूं। ये चार एप्लीकेशन मैं मोस्टली यूज़ करता हूं। एंड रही बात रिकॉर्डिंग की, तो मैं पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं एंड अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेता हूं, बाद में मैं उसे वॉइस ओवर करता हूं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो यार बना रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो गाइज आते हैं अपने सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो देखो बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। तो देखो होती सबकी है, लेकिन बताता कोई नहीं है, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है लोगों की, कि आपकी यूट्यूब की इनकम कितना होती है। तो देख लो यूट्यूब से कुछ भी इनकम नहीं होता यार, होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन जो भी होता है उतने में मैं खुश रहता हूँ। क्योंकि आप डिमोटिवेट नहीं होना यार, आप अभी डिमोटिवेट नहीं होना, अभी 30-35,000 सब्सक्राइबर मेरे, आप क्या ही अर्निंग कर लोगे। आपको बाद में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अर्निंग करने की। अभी मेरी देख लो एक क्वेश्चंस मैं अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होगे कि मैंने दिया होगा, इक्वल टू जितना भी आएगा 1,000 लगा देना, वो मेरी अर्निंग होती है पर मंथ की, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो जाती है, थोड़ी बहुत 2-4-5 इधर उधर होती है, लेकिन इससे मतलब इतना ही होता है अप्रॉक्स समझ लो। एंड अब रही बात हमारी फेस रिवील की, तो फेस रिवील भी देखो कर ही देते हैं। यहाँ पे 2-4 फोटोज़ मैं आप लोग आपके सामने दिखाऊंगा, जिनमें से कुछ एडिटेड होगा, कुछ रॉ होगा, तो वो आप देख लेना। एंड मेरा इंस्टाग्राम का जो मेन आईडी है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके मेरे चेहरे को देख सकते हो एंड जितना कमेंट में थूकना है थूक सकते हो। तो ये थी हमारी Q&A की वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया आप लोग के सारे क्वेश्चंस पिक करने में, एंड जिनके क्वेश्चंस मैं पिक नहीं कर पाया, सॉरी यार बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सो मैं पिक कर नहीं पाता सभी का क्वेश्चन, लेकिन मैंने ट्राई किया कि जो कॉमन क्वेश्चंस हो, जो बहुत सारे बंदों ने पूछ रखा है, वो क्वेश्चंस पिक करने का, ताकि सभी लोगों को आंसर मिल सके उनके क्वेश्चंस का। तो ये रहा हमारा आज की Q&A वीडियो, एंड आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया है। एंड 40,000 सब्सक्राइबर पे गिवअवे भी रखेंगे, तो जल्दी से वहां तक पहुंचा दो, ताकि आप लोग को जल्दी से कुछ गिवअवेज भी देखने को मिले। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो, फेस भी देख लिया होगा तो कमेंट में बताना कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था। वैसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।